हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज सौम्या। सो मैंने सोचा मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, वाई नॉट जस्ट शो इट टू यू। सो दिस इज लाइक अ गेट रेडी विथ मी, आई शो यू हाउ आई डू आई मेकअप, मैं क्या पहन रही हूँ, वेयर दिस फ्रॉम, एवरी थिंग। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप ऑन वॉचिंग। एंड या सबसे पहले हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। मैं जॉनसन बेबी का मॉइस्चराइजर लेके स्किन को अपने प्रेप कर रही हूँ, प्लस हम नेक को नहीं भूलेंगे। उसके बाद मैं NYB का प्राइमर ले रही हूँ, इसको मैं अच्छे से अपने चेहरे पर लगाऊंगी। उसके बाद यू कैन सी माई डार्क स्पॉट, एक्ने स्पॉट, उसको मैं करेक्ट करूँगी। ये इनसाइड का कलर करेक्टिंग पैलेट है, ऑरेंज वाला डार्क सर्कल पे, और जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी एंड जस्ट ब्लेंड विद माई हैंड। उसके बाद मैं पीस का फाउंडेशन ले रही हूँ। ये मेरे कलर से बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बट मुझे थोड़ा सा ग्लोई लुक चाहिए, तो मेरे लिए यही मुझे मेरे पास यही फाउंडेशन है, तो मैं यही यूज़ करूँगी। इसे मैं ब्रश की मदद से सारा ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर ये LA Girl Pro का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ना क्रीमी बेस, ये बिल्कुल सेम मेरे शेड का है। इसको मैं ब्लेंड करूँगी पैक 219 कंसीलर ब्रश से। आई रियली लाइक दिस ब्रश, लाइक अगर आप सोच रहे हैं लेने की, आई हाईली रिकमेंड टू यू। उसके बाद मैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन 02 शेड। इसको मैं अपने हाईलाइट पॉइंट पे लगाऊंगी एंड जस्ट ब्लेंडेड विद कंसीलर ब्रश। उसके बाद ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, दिस इज़ फ्रॉम जस्ट हर्ब का लिप एंड चीक टिंट इन रोजी पीस। इसको मैं लगाऊंगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर पे मैं सेटिंग स्प्रे डाल के मैं सारा का सारा जो मेकअप है उसे एक जगह सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं फिटमी का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। यूजली मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, बट वेन एवर आई गो आउटसाइड लाइक किसी पार्टी में, तो मैं लूज़ पाउडर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। उसके बाद मैं शुगर का कॉन्टोर ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा है शुगर का। ये बाय द वे गुडी ब्रॉन्जर, आई रियली लाइक दिस कॉन्टोर। ये मेरा ख़त्म होकर टूट गया है एंड आई एम गोइंग टू परचेज अगेन। यू कैन सी लाइक टोटली डिफरेंट, मतलब आई रियली लाइक दिस वन। उसके बाद मैं ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश ले रही हूँ, दिस इज़ इन अ शेड मेलो वाइन एंड आई रियली लाइक दिस कलर आजकल। यू कैन सी मैंने कैसे ब्लश को अप्लाई किया है। इसी ब्लश को मैं लेके आई शेडो की तरह भी यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक आँखों पे थोड़ा हैवी जाना चाह रही हूँ इसके लिए। इसके बाद मैं एल्फ की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ अ रियली गुड आईब्रो पेंसिल एंड अफोर्डेबल इफ यू आर वंडरिंग टू बाय दिस वन। उसके बाद मैं एल्फ का वाओ ब्राउ जेल यूज़ कर रही हूँ, मतलब अभी मैंने रिसेंट परचेज किया है, सो बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे इसके, बट यू कैन सी। उसके बाद मेकअप फिक्सर से मैं सब कुछ सेट कर लूँगी एक जगह। देन उसके बाद मैं ये शुगर का हाइलाइटर ले रही हूँ, बहुत ही नेचुरल लुकिंग का हाइलाइटर है, दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट। उसको मैं अच्छे से लगाऊंगी अपने हाई पॉइंट पे सारे। उसके बाद ये प्लम का काजल मैंने लिया है, इसको मैं अपने लैश लाइन पे लगाऊंगी, वाटर लाइन पे नहीं लगाऊंगी, लैश लाइन पे। उसके बाद मैंने आई लैश कलर लिया, आई लैश कलर बहुत मेक डिफरेंस कर देता है, यू कैन सी। हाँ, उसके बाद मेरा फेवरेट मस्कारा लाइक ये मार्स का मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ। आई रियली लाइक दिस मस्कारा बिकॉज ये वॉशेबल है एंड या गिव लेंथ एंड वॉल्यूम लाइक यू कैन सी। उसके बाद मैं लिप टिंट लगा रही हूँ एंड ये नायका की लिपस्टिक मद्रास का, बाय द वे जो लिप टिंट था वो फेस शॉप का था इन अ रेड पिकनिक। उसके बाद ये मोल्टन गोल्ड लेकिन फिटमी का हाइलाइटर, इसे मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। आई यूज़ लोरियाल का सीरम एंड जस्ट ऑल ओवर मैं अपने हेयर पे अप्लाई कर लूँगी। एंड या मुझे हेयर स्टाइल ज़्यादा कुछ नहीं आती है, दैट्स व्हाई आई गो टू माय ओल्ड हेयर स्टाइल। ये इयरिंग वैसे बाय द वे दिस इयरिंग फ्रॉम मिंत्रा एंड ये पूरे एक सेट में आई थी, पूरा नेकलेस एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक दिस सेट। सो अगर मैं कोशिश करूँगी तो मैं लिंक डाल दूँगी। ठंडक बहुत है इसलिए मुझे ब्लेजर की ज़रूरत पड़ेगी एंड या माय दुपट्टा। Now we are end of this video. What do you think about this look? This is the close up. How I look. So hope you enjoy the video. If you do enjoy the video, please like this video, subscribe to my channel, follow me on Instagram, and I will see you guys next time. Bye.